सर हेलो आदित्य आदित्य आदित्य, ये इतना इंग्लिश मीडियम की क्लास है, इसमें रिमूव हो जाता हूँ मैं। ठीक है तो सर हमारी क्लास खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई। ओके सर सर जेनी। यस सर। हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सितंबर 1 के एक्सरसाइज किया आपने? यस सर। ओके ठीक है, बाकी लोग को आ जान दो, अपने दो मिनट ब्रेक करते हैं, बाकी लोग आ जाते हैं, फिर अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। उनको पता थोड़ा मत कर। अभी दो ही लोग आए, पुष्पेंद्र और जेनी, बाकी लोग जेनी। हेलो फिर चलो अपने चालू करते हैं, सभी लोग माइक चालू करो 2 मिनट। यस।
अपने को आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर टू माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स पहले स्टार्ट करते हैं 2.1 से। यहाँ पर देखना, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी नंबर 2.1, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसके टाइप्स कैसे होते हैं, सब पॉइंट्स समझने के लिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर एंड अ माइक्रोस्कोप व्हाट डू यू सी। तो आपको क्या करना है, बाहर से थोड़ी सी मिट्टी लानी है और एक बीकर में वाटर लेके उसके अंदर उसको डाल देना है, उसको मिक्स कर देना है। आप देखोगे कि जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, सॉइल से वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। बट वो वाटर कैसा हो जाएगा, काफी गंदा हो जाएगा, बहुत ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको चेक करोगे माइक्रोस्कोप से कि उसके अंदर वो गंदगी किस तरह की दिखाई पड़ती है। तो आपको उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अपनी जगह से हिलते हुए बराबर बैक्टीरिया और बहुत सारे किस तरह का छोटे छोटे माइक्रोस्कोप दिखे। इसी तरह से दूसरी एक्टिविटी अपने देखते हैं। Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide, and observe through a microscope. इस तरह अपने काम कर सकते हैं कि जो तो अपने कोई normally pond हो या falls हो तो वहां से थोड़े drops लेकर अपने जो slides होती है ना microscope की उस पर उसको क्या करना है, spray करना है। Spray करके अगर हम उसको check करेंगे तो उसके अंदर भी इस तरह के बहुत सारे organism निकलने मतलब दिखाई पड़ेंगे। तो यही पॉइंट्स अपने को समझना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोइल आर पूर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, मतलब उसको हम डायरेक्टली खुली आंखों से नहीं देख सकते। सम Some of these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. क्यों उसको microbes बोलते हैं? Microorganisms are classified into बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, बराबर ये मेन होते हैं। अब उसमें हमने वायरस की बात करेंगे। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। वायरसेस कैसे होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक ही पॉइंट्स है बट वो कैसे होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसकी जो क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है बाकियों से, ठीक है। तो वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोप बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोस्कोप माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन दिस फिगर 2.5। कॉमन elements like cold, influenza and most cough are caused by the virus. तो इस तरह के डिजीज नॉर्मली हम बात करें कि like cold, influenza means flu and normally और भी दूसरे डिजीज होते हैं, flu and most cough जो बॉडी में कफ होता है वो सभी वायरस के रीजन होते हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। और इसके हिसाब से सीरियस जो डिजीज है पोलियो है, चिकन पॉक्स है, अभी हम लोग जानते हैं कि COVID-19 चल रहा है तो वो भी इसी तरह का जो मीन्स कि इस तरह का पैंडेमिक प्रॉब्लम जो होती है वो वायरस से बहुत ही ज्यादा होती है। डिजीज लाइक डिजेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। और नॉर्मली बात करें तो मलेरिया जैसे जो डिजीज है वो प्रोटोजोआ से होता है। वेरस टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस मींस टीबी इज बैक्टीरियल डिजीज। और अपने बैक्टीरिया से होने वाले जो डिजीज है वो टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस में जिसको शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। जहां पे हम लोग उसका मतलब डायग्राम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह के दिखते हैं, फिर अपने देख सकते हैं एल्गाए किस तरह दिखते हैं, ठीक है। ये एल्गाए है अपने देख सकते हैं, ये व्यास का क्या आता जाता रहता है,
ये प्रोटोजोआ अपने बाजू में देख सकते हैं, यहाँ पे एमीबा और पैरामीशियम बराबर। फिर अपने आगे देख सकते हैं ब्रेड मॉल्ड, ये पेनिसिलम एस्पिरिगिलस, तो इस तरह के बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब अपने देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो जो फ्रेंडली वर्कर, तो यहाँ पर वायरस का टाइप अपने देख सकते हैं बना हुआ है ना। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक, जो आपने पहले भी पढ़ा हो ठीक है। कई सारे इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे अपने बात करें तो ईस्ट कोरोना ठीक है, ईस्ट होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं कर्ड बनाने में, तो मैं और इसके अलावा जो इडली रहता है उसको करने में। माइक बंद कर दो, जो लोगों ने माइक चल के बंद कर दो तो वहां से आवाज आ रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, they are used in the preparation of curd, bread and cake. They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic waste means vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. लोग क्या करते हैं इस तरह के जो वेस्ट वस्तु होती है वेजिटेबल पील से एनिमल्स के नॉर्मल वेस्ट, तो ये सबको वो क्या करते हैं हार्मलेस बनाते हैं, अब चूजेबल सब्सटेंस के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिंस इन एग्रीकल्चर, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और कई सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स के एकदम रूट तक होते हैं, जो वहां पर सॉइल फर्टिलिटी को हेल्प करते हैं, प्लांट्स को हेल्प करते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए भी हेल्प करते हैं ठीक है। अच्छा इसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, हमने पहले भी 7 में पढ़ा हुआ है कि कर्ड कहां से बैक्टीरिया से बनते हैं ठीक है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इसमें क्या होता है मिल्क में जो लैक्टिक लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, क्या चीज बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया वो प्रमोट करता है फॉर्मेशन करने में। साइन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द मेकिंग चीज pickles and many other food items. An important ingredient of rava means suji, idli and bhaturas is curd. Can guess why? Bacteria and yeast are also helpful for formation of rice, idli and dosa batter. So is tarah bacteria aur ye yeast hote hain jo kafi had tak help karte hain barabar usko save karte hain कर्ड को बनाने में और दूसरे इस तरह के पॉइंट्स तैयार करने में ठीक है। तो अब फर्मेंटेशन देखते हैं क्या होता है। फर्मेंटेशन के लिए पॉइंट्स अपने अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी 2.3 यहाँ पर आपने देख सकते हैं, मैं इसको राउंड कर देता हूँ ठीक है। अच्छा टेक हाफ के जी फ्लोर मीन्स आटा और मैदा जो भी लेना हो तो ले सकते हैं, एड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? तो सबसे पहले अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या किया है, बाउल लिया उसके अंदर थोड़ा गर्म वाटर हॉट वाटर लिया है, उसके अंदर मैदा और साथ में यीस्ट वाटर डाला है। अब 2 घंटे तक उसको रहने देना है, फिर 2 घंटे बाद उसमें देखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा। अपने देख सकते हैं राइस और मैदा किस तरह का हो गया है, इस तरह बुनकर वो बड़ा हो गया है, खमीर वाला हो गया है। तो इसी पॉइंट्स पे आगे बढ़ाते हैं। Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the case fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast, the baking industry for making breads, pastry and cakes. So, इसी तरह का use करके baking soda का use करके pastry और cake बनाए जाते हैं ठीक है। तो ये point भी आपको ध्यान देना है बराबर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड मींस विनेगर।
कॉमर्शियली इसका कैसे यूज है वो देखते हैं. तो माइक्रोबियम आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड. इसमें भी इसका यूज होता है. इट इज द यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. फॉर दिस पर्पस इट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली फेट राइस क्रश फ्रूट जूस एटसेट्रा. तो ये क्या करते हैं डायरेक्टली शुगर को उसमें से निकाल देते हैं. कौन यीस्ट जिससे इसका यूज हो सकता है एसिटिक एसिड बनाने में विनेगर बनाने में अल्कोहल बनाने में इसका यूज होता है. ठीक है. अब इसके बाद वाला हमारा पॉइंट है अपने देख सकते हैं सामने फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या होता है अब फर्मेंटेशन पे यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे पॉइंट में कर देता हूँ उसको रेड इंक से. फर्मेंटेशन देखते हैं. दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय दिस प्रोसेस बाय कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नाउन एज अ फर्मेंटेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल. तो जो शुगर कन्वर्ट होती है एल्कोहल में उसको क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन. उस फर्मेंटेशन का यूज करके ही एल्कोहल है फिर वाइन है इस तरह की वस्तुएं बनाई जाती है. तो आपको फर्मेंटेशन की जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर रखनी है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल नाउन एज फर्मेंटेशन. बराबर. तो आप लोग अभी जो पॉइंट्स मैंने चलाए 5 मिनट आपको जितना एक बार इसको रीड कर डालो फिर आगे मैं चलाऊंगा मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. निखिल मयंक बुक्स में ध्यान दो तुम लोग झगड़ा बंद कर दो. मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पॉइंट अभी चलाता हूँ 2 मिनट के लिए आप फर्मेंटेशन ऊपर के जो पॉइंट्स मैंने चलाए उस पर फोकस करो. मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ. हेलो बोल. नहीं मुझे नहीं पता कैसे कैसे नंबर दिए. तो अच्छा बात है ना. वो तो दुखी हो रही थी कि कब मार्क्स है तुम्हारा आ जाएगा. नहीं कहाँ से भरोगे किस बेस पे लेगा तुमको फॉर्म आया ही नहीं अभी. ना ना ऐसा कोई जरूरत नहीं. कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं. हाँ कर देगा आराम से कोई जरूरत नहीं. हाँ एडमिशन लेने जाओगे ना तो भारत वाले जरूरत नहीं. सभी लोग वन टाइम रीड करो जो चलाया मैंने. जैनी सभी लोग वन टाइम रीड करो. जैनी पुष्पेंद्र निखिल सूर्य करो जल्दी फटाफट. क्या बेवकूफ बच्चे हैं सब. सब हो गया तेरा क्या. ये मुझे बाकी लग रहा है. देख तो क्यों बाकी है साइन कैसे करूं मैं. क्या करूं कैसा थोड़ी साइन कर दूंगा. नहीं करूंगा साइन पूरा करो फिर साइन करो. साइन नहीं कर सकता पूरा भी क्या साइन करो. क्या पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है. स्टडी हो रही है नहीं हो रही नहीं हो रहा. बहुत हार्ड है मुझे मालूम. मुझसे पता नहीं बहुत हार्ड है साइंस. साइंस तो बहुत हार्ड है. क्या करें करना तो पड़ेगा ना. तो तेरे रहने का काम रेडी कहाँ पर क्लास चालू है. तो क्लास चालू की है. शिवा माता है विजय दास
देखो करना पड़ेगा कहीं और कहीं भी करो अपने ऐसा सोचे कि नहीं मतलब कोरोना से हो जाए तो आगे आप लोगों को कुछ आएगा आप लोगों का कंटेंट क्लियर करो सीखो सीखोगे तो आपको अच्छा रहेगा समझे और इसको पूरा कर ले साइन करा दे थोड़ा करो साइंस आपका हार्ड लाइफ भी आपका हार्ड में भी हार्ड मैंने मालूम लोग छोटे बोलते तो कुछ समझ आता है मेरे को पता है ऐसा नहीं बता रहा मेरे को बात मालूम है लेकिन ना उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगर कहीं अगर आपके आपके कोई बात है वहाँ क्लास कर लो अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बताओ कि क्लास दी हुई है आपके पास तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आप कुछ प्लान करो पढ़ाई करो आपको जो टाइम देना देखो क्लास तो बता देना कर एक मेरे को नहीं पता उसको नहीं पता नहीं काम करते हैं नौ बजे का आपका ठीक है वो देखो ये पूरा कर लो बस फाइल है अकेले हेलो कौन कौन आएगा कोमल और सर कोमल और क्लास को आगे को बंद कर अरे कितना चिंता बढ़ता है मालूम है चार तक पक्षी एक होता है जो पेपर स्वादी का पानी मिलता है चलो रीडिंग कर ली बेटा कल कितने बजे ठीक है आपको शांत कल तो रजा होगा छुट्टी है ना बस इसलिए बोल रहा हूँ मैं भी रहूंगा मैं रीडिंग हो गई तुम लोग क्या कर रहे हो इतने टाइम से निखिल बेटा रीडिंग हुई ले वीडियो बंद कर दिया निखिल बेटा नींद आ रही है हेलो कौन सा बेलेगा रीड करने का क्या कलाकार अभी तक तू कर क्या रहा था जो पॉइंट्स अभी चलाए ना वो करने थे चलो जाने दो अब आगे बढ़ते हैं मयंक रीड किया बेटा कुछ कुछ किया रीड नो चेनी चेनी हेलो यस सर अब बेटा रीड किया आपने कुछ यस सर अच्छा चलो अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पे आके देखते हैं Medicinal use of microorganism. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, capsules or injections such as of penicillin. The source of this medicine is microorganism. तो कई बार अपने देखते हैं कि अपने बीमार पड़ते हैं अपने फॉल होते हैं बराबर तो उस टाइम पे अपने एंटीबायोटिक टेबलेट्स डॉक्टर हमको देते हैं कैप्सूल्स देते हैं या इंजेक्शन देते हैं जिससे पेनिसिलिन होता है तो क्या होता है एक सोर्स होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो दूसरे वायरस बैक्टीरिया पे जो हमला करते हैं डिजीज के लिए उनको ब्रेक करते हैं दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स तो इस तरह के जो मेडिसिन बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स दिस डेज ऑफ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइलिन एंड एथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly now antibiotics which are made from fungi and bacteria तो ये जो हमने अभी यहाँ name देखे कौन कौन से हैं फिर से एक बार देखते हैं streptomycin
टेट्रासाइक्लिन एंड अर्थ्रोमाइसिन, ये सब इस तरह के जो मेडिसिन है जो एंटीबायोटिक्स होती है। माइक बंद कर दो। एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal. इस तरह के ऑर्गेनिज्म से या जो डिजीज वायरस से फैल सकते हैं पोल्ट्री में भी, दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम देखते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन तो अभी हम लोग बहुत दिन से सुन रहे थे, वैक्सीन तो आप लोग को अच्छी तरह आइडिया होगा कि वैक्सीन क्या होता है, किस तरह वर्किंग करता है। आज सभी लोग वैक्सीन ले रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। ठीक है, तो वैक्सीन सबसे पहले कैसे बनाई गई, क्या पॉइंट किए गए, बराबर क्या वर्किंग किया गया, वो अपने देखते हैं। पर वेयर अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्फेक्शन। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई सर, हाँ बोलो, हेलो हेलो हेलो, बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? मयंक बोल रहा है। अच्छा सर, हाँ मयंक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। रुको रुको, मैं एक मिनट चेक कर लूँ। हेलो, जैनी का माइक चालू है ना, इसलिए एक जन माइक बंद कर दो, किसी का माइक चालू है तो एक बार चेक करो। हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो यस सर, आवाज आ रही है ना अभी? हेलो, कनेक्शन का प्रॉब्लम है, कनेक्शन यस आ रही है बेटा? ओके चलो, अब नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। अपने बात कर रहे थे वैक्सीन, तो वैक्सीन आज हम लोग देखते हैं कि कोरोना के लिए कई लोग अलग अलग तरीके के वैक्सीन, मतलब ये हम कोविशील्ड है, फिर कोवैक्सीन है ना, स्पुटनिक, इस तरह के वैक्सीन यूज कर रहे हैं कि काई के लिए कोविड को हराने के लिए, है ना। तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में उस जो भी डिजीज है सामने उसके विरोध में क्या करता है, उसके अपोज में अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्लियर करता है। तो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर, द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन, इफ डेड और वीकेंड microbes are introduced into a healthy body. The body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected. Protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by वैक्सीन। तो इस तरह के अलग अलग डिजीज से बचने के लिए वैक्सीन हमारे बॉडी में बहुत ही हेल्पफुल है। कौन कौन से अलग अलग, अब बात करते हैं, कॉलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वन, इस तरीके से अलग अलग जो डिजीज है इम्पोर्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो अपने बात करते हैं, यहाँ पे हम सामने को पिक देख रहे हैं जो एडवर्ड सेनरमैन का है। ठीक है, सबसे पहले जो अपने वर्ल्ड में वैक्सीन बनाई है वो इन्होंने, एडवर्ड सेनरमैन ने बनाई है। ठीक है, जिनका बर्थ जो इन्होंने पूजा था 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए, उस टाइम पर जिस तरह भी कोरोना फैला हुआ ना उस टाइम पर स्मॉल पॉक्स फैला था बहुत ही ज्यादा और काफी लोग उसमें मतलब डेथ भी हुई थी। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, आज भी उनके बराबर इनके ही पद पे हम आगे चल रहे हैं और वैक्सीन उनके काम कर रहे हैं। तो इसके आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, आप भी जब छोटे होगे तो आपको भी कई सारी इस तरह की इंजेक्शन मींस वैक्सीन दी गई होगी, बराबर 6 मंथ पे, 12 मंथ पे और 2.5 इयर्स पे। तो इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर
पेरेंट्स, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स का आप कॉन्टेक्ट करो और उसको उनको पूछ सकते हो कि किस टाइप अपने कौन से इंजेक्शन अर्थात की वैक्सीन ली है और उसका क्या आपको हेल्प हुआ है और कौन कौन से डिजीज के अपोस्ट में आपको उसका सपोर्ट मिला है. इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज. नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम. और टाइम टाइम पर पोलियो का भी प्रोग्राम आता है, हम लोग कंटिन्यू देख सकते हैं. पोलियो ड्रॉप्स गोइंग टू ट्रीट चिल्ड्रन एक्चुअली अ वैक्सीन ऑन अ माउथ. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication. From most parts of the world, these days vaccines are made on a large scale from microorganism to protect humans and other animals from several diseases. तो इस तरह कई सारे अलग अलग डिजीज से बचाने के लिए वैक्सीन हमारे बॉडी को बहुत ही हेल्पफुल है. ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में कैसे हेल्प करते हैं. तो ये पॉइंट्स अपने कल चालू करेंगे 9:30 पर, आप लोग ध्यान रखना बराबर. आज के लिए अपने इतना रखते हैं, कल अपने 9:30 पे फिर से आगे बढ़ेंगे बराबर. ओके ओके चलो सर. हाँ बोलो. कल कितने बजे का लेक्चर है? कल 9:30 मैं आपको मैसेज कर दूंगा बराबर. 9:30 का ही रहेगा. हाँ ठीक है सर. ये कौन सा चैप्टर है?